हेलो दोस्तों, अगर जो आप लोग भी गार्डनिंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और एक अच्छा फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हो घर पर, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। और ये वीडियो काफ़ी काम की होने वाली है और इसमें आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने दो दिन पहले बकेट में ये केले के छिलके डिप किए थे, तो ये उसका पानी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, देख सकते हो। और कलर भी काफ़ी अलग आ चुका है, ब्राउनिश टाइप में कलर हो चुका है इसका, और ये देख सकते हो। और इस पानी के अंदर पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि केलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम होता है और प्लांट को पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मिट्टी में पर्याप्त नहीं होती है। तो मैंने इसको एक ये वाले टिप को काफ़ी आजमाया और इससे रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है और मेरे प्लांट काफ़ी हरे भरे और हेल्दी बन जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकेंड टिप से जो कि केले बच जाते हैं, तो काफ़ी सारे केले के छिलके आपके पास इकट्ठे होने वाले हैं, तो ये मेरे पास भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर किचन में से मैंने एक साथ इकट्ठे कर लिया और इसको इकट्ठे करने में 3 दिन लगा है। और देख सकते हो, अब मैं इन केले के छिलकों को सुखाने वाला हूँ और इससे भी एक अच्छी खाद बनने वाली है, जो कि आप घर पर बना सकते हो। तो इन केले के छिलकों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना है आपको, तो इनको अच्छे से खोल देना, क्योंकि सनलाइट की मदद से ये सूख पाएंगे। और अगर जो आप इनको एक जगह रखोगे तो सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको आपको पूरा खुला कर देना है। और देख सकते हो, मैं इनको पूरा एक खुला कर दूँगा। अब ये काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे एकदम थोड़े से बन जाएंगे, तो ये प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये कंपोस्ट। और इनको मैं एक दिन के लिए छोड़ने वाला हूँ, नेक्स्ट डे आऊँगा तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो अगले दिन देखते हैं क्या होने वाला है, तो अगले दिन देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरे केले पूरी तरीके से सूख चुके हैं अगले दिन, और इन केलों में काफ़ी ज़्यादा करारापन आ चुका है। और मैं इनको देख रहा हूँ और देख सकते हो पूरा अच्छा करारापन आ चुका है, तो इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। इकट्ठे करने के बाद इनको फिर चूरमा बनाया जाएगा, हम इसको 6 चूर देंगे। तो पहले इनको इकट्ठा कर लेते हैं और सारों को एक जगह इकट्ठा करना है हमें। तो काफ़ी सारे केले छिलके थे हमारे पास, अब देख सकते हो कितने कम बचे हैं यहाँ पर। तो ये वाला प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर जो आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और हम इसको बकेट में इकट्ठा कर लेंगे सारों को, केले के छिलकों को सारों को इकट्ठा कर लेना। आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट केले के छिलके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, तो अभी मैं इनको यूज़ करता हूँ और इनका मुझे रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और अब मैं इनको चूरमा बना दूंगा अपने हाथों से, तो आपको ये करने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये जब तोड़ते हैं ना हाथों में भी एक अलग सी करारापन से बात चाहते कर। और इसको सबको तोड़ लेना आपको केले के छिलकों को। और ये खाद काफ़ी ऑर्गेनिक होने वाली है, अगर जो आप मार्केट से बाय करते हो तो एज़ कम्पेयर टू दिस खाद इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर मैंने अपने प्लांट्स में जो मिट्टी को खोद लिया है, अब खोदने के बाद इसी खाद को हम मिलाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। और आप यहाँ पर गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हो, बट आप इसका यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको एक हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला भी है, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और सबको अच्छे से बिखरा देंगे पूरे इसके प्लांट के अंदर, और देख सकते हो। और मिट्टी को भी आप हिला सकते हो और ऊपर से आप पानी डाल देना। और ये टिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर जो आपके दोस्त भी गार्डनिंग करते हो तो आप इनको वीडियो शेयर कर सकते हो और आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप जल्दी हमें फॉलो कर लेना अब जो आपने फॉलो नहीं किया, और लाइक कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और देख सकते हो मेरा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है, और इसी टिप को मैं फॉलो करता हूँ और आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, जिस वजह से आपके प्लांट भी काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। और देख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे पौधे।